हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद आरएस। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं, जिसे अगर हम मल्टी बैगर स्टॉक भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा दोस्तों। सो स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि जे कंपनी मुश्किल बेसिकली पाउडर, जैसे कि हमारे प्रोटीन पाउडर होते हैं, एक्सट्रैक्ट पाउडर होते हैं, कैल्शियम पाउडर्स होते हैं, उसमें काम करती है और केमिकल सेक्टर में जे कंपनी काम करती है। सो एक अच्छी खासी कंपनी बढ़िया रिटर्न के साथ चल रही है, पिछले 3 साल में एक अच्छा रिटर्न दे चुकी है, अच्छा नहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न दे चुकी है। सो कंपनी का नाम है टाइटन बायोटेक। सो दोस्तों, कंपनी का नाम टाइटन बायोटेक। सो कंपनी का प्राइस लगभग 300 के आसपास, 299 प्राइस। और दोस्तों, इसमें जो देखने वाली बात है वो इसकी पिछले 3 साल की रिटर्न 663% की रिटर्न दी है दोस्तों इसने। इसीलिए मैं आपको बोलता था एक मल्टी बैगर कंपनी। 3 साल पहले का प्राइस था इसका नियर अबाउट 40 से 50 रुपए प्राइस था, और आज इसका प्राइस 300 के नियर अबाउट जा चुका है। 663% की रिटर्न पिछले 3 साल में, आप देख सकते हो कि अच्छी खासी मोटी रिटर्न दी है इस शेयर ने। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि ये शेयर आगे भी बढ़ने वाला है और लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए आपके आज हम इस शेयर के बारे में प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि शेयर में क्या क्या चीज अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी है, और आगे बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा। सो दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे तो इसके जो फंडामेंटल्स हैं, सबसे पहले तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो आपको ये बता दूं जिसकी मार्केट कैपेसिटी है 248 करोड़ की। और दोस्तों, इसमें जो सबसे अच्छी बात होने वाली है, इसकी आरओई रेट ऑफ इक्विटी 30.49 बेहतरीन। दोस्तों, इसे हम बोलते हैं कि 15 से 20 और 20 से ऊपर हो तो बेस्ट। दोस्तों 30 की आरओई और आरओसी भी इसकी 37 के नियर अबाउट है, जो इस चार्ट में शो नहीं कर पाया मैं। और इसकी अगर डेप्थ ऑफ इक्विटी देखें कि कंपनी पर कर्ज कितना, 0.07, मतलब कि इसे हम कह सकते हैं कि ये कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी है, कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं है। सो दोस्तों, हम यही चीजें देखते हैं अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने की, कंपनी पर कर्जा कितना है, कंपनी की आरओई कितनी है। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो हम देखेंगे, इसके साथ देखेंगे कि डिविडेंड, कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था 0.50 का, और इसकी अगर फेस वैल्यू देखें तो इसकी फेस वैल्यू 10 दोस्तों, इसकी जो फेस वैल्यू है वो भी 10 है। सो 5 से 10 के बीच में फेस वैल्यू हम बढ़िया फेस वैल्यू मानते हैं, और इसकी ऑलमोस्ट 10 है, जिससे कि फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी, और इतनी अच्छी आरओई और बुक वैल्यू भी इसकी अच्छी है। सो दोस्तों, ये है इसका पिछले 1 साल का चार्ट। अगर चार्ट को देखें तो जुलाई 2022 में इसका जो स्टॉक का प्राइस है गिरा था, और उसके बाद अब लगातार ऊपर जाना शुरू हो चुका है और लगातार ऊपर जा रहा है, हल्के फुल्के अप डाउन के साथ। आप ये तो जानते हैं कि शेयर मार्केट में हल्का फुल्का अगर शेयर ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर नीचे होकर जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो वो भी ऊपर नीचे होकर जाएगा। सो देखे तो इसका शेयर 210 रुपए के नियर अबाउट आ चुका था, और जुलाई से अब तक वो 300 के नियर अबाउट जा चुका है। इसी के साथ इसका 3 साल का हम चार्ट देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका पिछले 3 साल का चार्ट, 3 साल पहले का प्राइस देखे तो यहां पे 40 रुपीज के नियर अबाउट, 43 के नियर अबाउट इसका प्राइस था, और जिसने आज 300 का आंकड़ा पार किया है, और इसने जो हाई बनाया था वो 410 के नियर अबाउट इस कंपनी ने, के जो स्टॉक ने हायर बनाया था मई 2021 के नियर अबाउट। सो बेहतरीन चार्ट दोस्तों, 50 रुपए से 300 पे स्टॉक गया, 663% की रिटर्न पिछले 3 साल का चार्ट, 1 साल का चार्ट भी दिखाया। अब हम फाइनेंशियली देखेंगे कि कंपनी कैसी है। सो दोस्तों, ये है कंपनी का रेवेन्यू, पिछले 5 साल का रेवेन्यू कंपनी का अगर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 57, 64, 79, 142, 153, मतलब कि लगातार ऊपर जा रहा है। ये चीज जो देखने वाली होती है कि कंपनी का रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अप डाउन हो रहा है, इस कंपनी का कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ हम इसकी नेटवर्थ देखेंगे, अगर नेटवर्थ भी देखें तो वो भी लगातार ऊपर ही जा रही है, एक बार भी पिछले 5 साल में नीचे नहीं आई, मतलब कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो लगातार ऊपर जा रही है। अब इसी के साथ हम कंपनी की प्रॉफिट देखेंगे कि कंपनी की अच्छे, कंपनी का काम बढ़िया चल रहा है, कंपनी को ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, कंपनी का काम बढ़िया चल रहा है, और कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही तो इन चीजों का भी मतलब खत्म हो जाता है। सो प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट है दोस्तों, क्वार्टरली मतलब 3 महीने का प्रॉफिट, तो 1 साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है और 3-3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, उसके जो प्रॉफिट है वो दिखा रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर की प्रॉफिट देखें तो वो लगातार ऊपर जा रही है, हल्की फुल्की अप डाउन हुई मार्च 2022, आप सभी जानते हैं कि मार्च में तो सभी कंपनी टैक्स भरती हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुई इसकी, तो
ऊपर जा रही है, क्वार्टरली ईयरली प्रॉफिट देखेंगे कि इसकी साल वाइज प्रॉफिट, और अगर इसकी साल वाइज प्रॉफिट देखें तो वो भी आप देखें तो बढ़िया ऊपर, एक अच्छी रिटर्न के साथ ऊपर जा रही है। और माशाल्लाह 2021 में तो बहुत ही अच्छी गई, 2022 में 25.52 हम इसे कम नहीं कहेंगे क्योंकि 2022 अभी चल रहा है, जितने क्वार्टर्स के आए हैं उसकी जो प्रॉफिट शो कर रहा है, जब पूरे साल के क्वार्टर्स आ जाएंगे तो उसकी प्रॉफिट माशाल्लाह इससे ऊपर ही जाएगी, पूरी उम्मीद है कि इससे ऊपर जाएगी ही जाएगी। सो दोस्तों प्रॉफिट भी कंपनी की अच्छी आ रही है, रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा आ रहा है, नेटवर्थ भी कंपनी का बढ़िया है। उसके अलावा अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें कि कंपनी का जो ज्यादा शेयर है वो किसके पास है, अगर जे देखें तो कंपनी के जो 55% 56 नियर अबाउट 56% जो शेयर है वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं। सो दोस्तों 50 से ज्यादा होने चाहिए जे, और ऑलमोस्टली 56 है। इसी के साथ कंपनी की कुछ और अच्छी बातें कि अगर शेयर खरीदना है तो और अच्छी बातें, कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी ने जो अपनी डेट है उसे क्या किया है दोस्तों, रिड्यूस किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मैंने पहले भी आपको चार देख के बताया था कि कंपनी अब डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी है डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 63.6% लास्ट 5 ईयर्स, तो दोस्तों पिछले 5 साल में इसने 63.6 की ग्रोथ के साथ प्रॉफिट दिया दोस्तों। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न इक्विटी 3 ईयर, पिछले 3 साल में कंपनी 36.8% की रिटर्न दे रही है इक्विटी में। सो दोस्तों इससे अच्छी और बातें क्या हो सकती है, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तो बढ़िया स्टॉक, एक बेहतरीन स्टॉक जिसे मल्टीबैगर स्टॉक हम कह सकते हैं। सो दोस्तों लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड खुद की रिसर्च जरूर करें। थैंक यू।